देश के भावी डॉक्टर लोग। ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग सीनियर के द्वारा शोषित देश के डरपोक लीडर बनेंगे, जो अन्याय के विरुद्ध चुप्पी साधे रहने वाले होंगे। कोई भी खराब परंपरा और रूढ़िवादी विचार के विरुद्ध में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे देखिए हैरान कर देने वाला जवाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। जब यूनिवर्सिटी के वीसी से रैगिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, को पता है जब मेरी रैगिंग खूब होती थी तो यहाँ तो 10% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। मैं 80 का MBBS एंट्रेंस हूँ। हम लोग दीवार से कूद जाते थे, एक रेस्पेक्ट था और वही सीनियर ले जाके हमको समोसा और चाय भी पिलाते थे और प्यार भी करते थे। उनका रैगिंग के प्रति ऐसा विचार स्टूडेंट्स की उन्नति नहीं कर सकता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए हम सबको बराबरी का अधिकार मिला है। किसी को उसके स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कुछ ऐसे अजीब से काम करवाना क्राइम है। हम सब जानते हैं कि कॉलेज में रैगिंग बैन है, इसलिए हमें ना तो रैगिंग करना चाहिए ना ही रैगिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ, हम लोग देश के फ्यूचर हैं। अगर हम कॉलेज में एक दूसरे का उन्नति का कारण बनते हैं तो इससे देश का फ्यूचर मजबूत होता है। बाइबल बताता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। सच्ची देशभक्ति का मतलब यह है कि एक दूसरे का, चाहे छोटे हो या बड़े, समान आदर करें, समान रूप से प्यार करें। हम लोग को सीनियर और जूनियर का अंतर को खत्म करके एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरे के उन्नति का कारण भी बनना चाहिए। तब ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और भारत का विकास होगा। जय हिंद।